हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जीआरएफ मेकर्स। आज से हमारे इस चैनल पे कम्युनिकेशन की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब एज। मतलब लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वन वेव कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन। मतलब एक ही फ्लो, वन फ्लो से कम्युनिकेशन आ रही है, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं, देखिए हम सब जानते हैं कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में सारी अथॉरिटी, मैसेज देने की सारी अथॉरिटी, कि हमें कैसे मैसेज देना है, कितना मैसेज देना है, किस चैनल के थ्रू देना है, वो किसके पास होती है? सेंडर के पास होती है। और यहाँ पे रिसीवर उसको सिर्फ क्या करता है? रिसीव करता है, उसको पैसिवली लिसन करता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का, लीनियर मॉडल में किसी भी तरीके का फीडबैक नहीं होता है, मतलब नो फीडबैक। सो फीडबैक ना होने के कारण इसे हम अथॉरिटेरियन भी रिफर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लासरूम का। क्लासरूम में सारी अथॉरिटी किसके पास होती है? टीचर के पास। एक टीचर है, टीचर के पास होती है। टीचर ही डिसाइड करती है कि उसे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, किस चैनल के थ्रू पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। और अगर वो जब तक स्टूडेंट से फीडबैक ना मांगे तो वहां पे भी फीडबैक नहीं होता है। तो क्या होता है इससे? ये अथॉरिटेरियन ही मॉडल हुआ ना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जैसे लेक्चर, लेक्चर मेथड भी हमारा यही कहता है कि लेक्चर मेथड में भी सारा कंट्रोल किसके पास होता है? टीचर के पास ही होता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स लाइक मार्शल मैकलेहन, द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड हॉट मीडिया। मतलब मार्शल मैकलेहन ने हॉट मीडिया किसे कंसीडर किया है? हॉट मीडिया को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि मार्शल मैकलेहन ने हमें दो टाइप ऑफ मीडिया बताई है। एक है हॉट मीडिया, दूसरी है हमारी कूल मीडिया। देखिए हॉट मीडिया क्या होती है? हॉट मीडिया हाई डेफिनेशन मीडिया होती है। हाई डेफिनेशन मीडिया होती है जहां पे ऑडियंस का पार्टिसिपेशन लो होता है, और कूल मीडिया हमारी लो डेफिनेशन मीडिया होती है और यहाँ पे ऑडियंस का पार्टिसिपेशन हाई होता है। देखिए हॉट मीडिया क्या होता है? यहाँ पे हमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। ये स्पून फीडिंग होती है, मतलब हमें ऑलरेडी कंटेंट दिया हुआ रहता है, हमको सिर्फ हमारा एक सेंस लगाना पड़ता है, जहां हमें एक ही सेंस लगाना पड़ता है, मतलब विच एंगेजेस वन सेंस कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी रेडियो है, हम जब रेडियो सुनते हैं ऑलरेडी कंटेंट दिया हुआ होता है, हमें अपने तरफ से उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ क्या करते हैं? हमारा एक सेंस, यानी हम उसे कान से हम सुनते रहते हैं, जो भी कंटेंट मिल रहा है हम उसे सुन रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया फिल्म, सिनेमा। क्या होता है? ऑलरेडी कंटेंट प्रोवाइड होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ उसे देखना होता है। तो ये हमारा क्या है? हॉट मीडिया। और कूल में क्या होता है? यहाँ पे मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल होता है, मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल होता है। जब तक हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे ऑडियंस का ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, टेलीफोन का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेलीफोन में हम क्या करते हैं? वहां पे हमारे मल्टीपल सेंसेस यूज होते हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे एक साथ तीन काम कर रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, सामने वाले की बात सुन भी रहे हैं, साथ ही साथ हमारा माइंड भी चल रहा है ना कि हमें सामने वाले को क्या जवाब देना है। सो हमारे हॉट मीडिया का यहाँ पे आंसर होगा रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are the criteria for public service communication? Public service communication क्या होती है? देखिए ये communication है जो हम लोगों तक information पहुंचाने के लिए करते हैं, जो हम लोगों में awareness पहुंचाने के लिए करते हैं। अब जब awareness पहुंचाने की बात है तो कैसे communication होना चाहिए? Accurate होना चाहिए, मतलब error free होना चाहिए, किसी भी तरीके की mistake नहीं होना चाहिए, unbiased होना चाहिए और एक complete information public तक पहुंचना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन
टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। सो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझेंगे। इससे क्या होगा, आपका दोनों कॉन्सेप्ट सिंक्रोनस असिंक्रोनस साथ ही में क्लियर हो जाएगा। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन, मतलब जहां पे सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तुरंत के तुरंत फीडबैक मिलता है। एग्जाम्पल लाइव लेक्चर, लाइव लेक्चर में क्या होता है, तुरंत के तुरंत फीडबैक मिलता है। जैसे यहाँ पे कोई टीचर है वो पढ़ा रही है, तो आप उसे तुरंत फीडबैक दे रहे हो। और अगर यही रिकॉर्डेड लेक्चर होता है तो क्या होता है, वो असिंक्रोनस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जो लेक्चर बन रहा है, अब ये रिकॉर्डेड आप तक पहुंचेगा, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको देखोगे और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से फीडबैक दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, और सिंक्रोनस में जहाँ पे सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। असिंक्रोनस में हमें क्या, इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, फीडबैक डिले हो जाता है। सो हमारा आंसर है ब्लॉग्स, डिस्कशन बोर्ड एंड ब्लॉग्स, क्योंकि ये तीनों में हमें क्या होता है, फीडबैक बाद में मिलता है। क्योंकि ब्लॉग्स में, डिस्कशन बोर्ड में, ब्लॉग्स में यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को सेम टाइम पे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, और टेलीकॉन्फ्रेंस, वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो चैट रूम में यहाँ पे सेम टाइम पे प्रेजेंट होने की जरूरत है, और आपको ये तीनों में इमीडिएट फीडबैक मिलता है, और ये तीन में फीडबैक डिले हो जाता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग। तो हमारा assertion क्या कह रहा है, to communicate well in the classroom is a natural ability, a reason, effective teaching in the classroom demands knowledge of the communication process. So the पहला हम assertion देख लेते हैं, to communicate well in the classroom is a natural ability. ये क्या है, ये false है, ये natural ability नहीं है, ये हमें experience के साथ, time के साथ हम ये skill को, communication skill को सीखते हैं, time के साथ इसमें changes आती है, तो ये natural ability नहीं है। रीजन क्या कह रहा है, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये तो सही है, ये ट्रू है। इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, देखो टीचर जो भी पढ़ा रही है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, वो हमारी इफेक्टिव टीचिंग होती है। अब बच्चों को कब अच्छे से समझ में आएगा, जब टीचर के पास खुद कम्युनिकेशन का नॉलेज है, मतलब टीचर को खुद कम्युनिकेट करना आता और टीचर अपनी बात अच्छे से समझा पाए, तो वो इफेक्टिव टीचिंग होती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। So I hope आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।